हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग गाइस, हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम पिछली क्लास को अगर छोड़ दें तो पहले हम बात कर रहे थे वर्ब के बारे में, और कल वाली क्लास में हमने इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि हमारी इंग्लिश अच्छी कैसे हो सकती है, यानी हाउ टू मेक इंग्लिश ईजी। इस पर हम डिस्कस कर रहे थे कल वाली क्लास में। गाइज, हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, अंग्रेजी भाषा को लेकर कौन कौन सी दो मेजर प्रॉब्लम्स, टू मेजर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आप सबने उस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा, अटेंड किया, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। हम आज सेंटेंस मेकिंग पर काम करेंगे, और सेंटेंस मेकिंग के लिए मेरी कल की क्लास को छोड़कर जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हम वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गाइज, मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब क्या होती हैं। वर्ब एक्शन होता है, वर्ब एक्शन यानी एक्टिविटी बताने बताने वाला शब्द वर्ब होता है। स्टेट बताने वाला जो वर्ड है वो वर्ब होता है, यानी इन चीज़ों को बताने वाले, इन दो चीज़ों को बताने वाला जो वर्ड है वर्ब वर्ब होती है। यानी एक्शन बताएं या स्टेट बताएं, वो क्या होती है? वर्ब होती हैं। हमने इसकी फर्स्ट कैटेगरी थी उसके बारे में बात कर ली थी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ से हम इस चीज़ से इस चीज़ के बारे में, यानी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आपको मैंने ये भी बताया कि फाइनाइट वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और इस चीज़ को आपने समझा कि किस तरह से हमारे एग्जाम्स में नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चंस आते हैं। आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट किया है और आपका स्कोर भी अच्छा रहा है, इस चीज़ को जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमें बड़ी खुशी मिली है कि आपने इस वाले जो आपके लिए बिल्कुल नया टर्म था नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसके आपने क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए, इस बात से हमें बड़ी खुशी हुई है। आगे देखो, आज हम इस वर्ब के बारे में और इसकी जो कैटेगरी हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं या इनकी कैटेगरी होती हैं, वर्ब को हम कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, पहली चीज़ समझिए आप, प्राइमरी वर्ब वर्ब्स। अब देखो, प्राइमरी वर्ब्स या आप ये इनका दूसरा नाम दे सकते हो आप, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। हम बात करेंगे देखो, अभी प्राइमरी वर्ब क्या होती है, एक तो होती है बी, हैव और एक डू, ये हमारी प्राइमरी वर्ब हैं। इस चीज़ को आप समझ गए, प्राइमरी वर्ब हैं। इनका तीन होती है प्राइमरी वर्ब। इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं देखिए आप, इसको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। देखो, इज, आर, एम, ये इसकी समझो आप प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। इसी की देखो फास्ट फॉर्म क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। फास्ट फॉर्म यहां पर पास्ट में आपको वॉज, वर, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी V3, इनकी V3 क्या बनेगी, V3 बीन होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात कर चुके हैं, वो क्या बनेगी, बीइंग बनेगी। ये सारी चीज़ें देखो, हमने इस बात को समझा है, किस बात को समझा है, देखो इन दोनों को हमने समझ लिया है, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। उसी तरह से देखो, हैव, हैव इसका, इसकी फास्ट फॉर्म हैड, फास्ट पार्टिसिपल हैड, और यहाँ पर हैविंग, ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है, बी, हैव और डू। डू यहाँ पर डिड और डन, डूइंग। देखो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर इनकी एक और फॉर्म होती है ना, यहाँ पर इच, यहाँ पर हैज और यहाँ पर डज, जिनको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से देखो, ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी वर्ब्स के बारे में
आपको पता लग गया। ये क्या काम करती है, देखो प्राइमरी वर्ब से आप समझो कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का काम भी करती हैं। सबकी सब क्या करती है, मेन वर्ब भी होती हैं। मेन वर्ब कब होती हैं, जब देखो सुनो मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, ही इज अ डॉक्टर। अब इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ बताओ, क्या हुआ यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद में V1 प्लस ING में V1 प्लस ING होती हैं, तो V1 प्लस ING है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसलिए क्या होगी ये, कौन सी होगी बोलो, कौन सी होगी ये वर्ब, ये प्राइमरी वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही हैं, मेन वर्ब का काम कर रही हैं। चलो आप इस बात को समझे कि प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं। प्राइमरी का अर्थ वैसे बताओ आप क्या होता है, प्राइमरी का अर्थ मेन, मुख्य, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती हैं। हम अगली कैटेगरी पर बढ़ते हैं, देखो हम आप सबने हमने एक चीज पर डिस्कस किया है कि प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं। आप इनकी डिफिनेशन से याद रखिए और साथ में ये भी याद रखिए कि कौन कौन सी होती हैं। अब देखो मेन वर्ब की बात करते हैं अपन, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब देखो कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, जैसे हेल्पिंग, आप समझिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आएगी वो मेन वर्ब होगी, और सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आई है तो वो भी मेन वर्ब है। अब ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आप इन सब बातों को जानते हो लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये क्या हुई भाई बताइए, मेन वर्ब हुई, तो इसे मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब में क्या होते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती है मेन वर्ब की, कौन कौन सी होती है बताइए आप, V1 V2 V3 V4 और फॉर्म SEIES। इस तरह से 5 फॉर्म्स होती हैं किसकी, मेन वर्ब्स की। अब हेल्पिंग वर्ब की नहीं होती, आप देखो हेल्पिंग वर्ब की नहीं होती, कहाँ होती है हेल्पिंग वर्ब की, विल की बनाएगी बताओ आप, नहीं बनेगी। मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1 इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और सिंगुलर फॉर्म या SEIES फॉर्म। अब हम देखो मॉडल वर्ब के बारे में बात करते हैं, हमारी तीसरी कैटेगरी हुई मॉडल वर्ब। अब देखो मॉडल वर्ब क्या करती है, देखो मूड बताती हैं, आप ऐसा नोट कर लीजिए मेरे साथ, मूड बताती हैं। अब कैसा मूड बताती हैं भाई, मूड खराब है, अच्छा है, कैसा है, डिटरमिनस से रिक्वेस्ट कर रहा है, सारी बातें बताती हैं। कौन कौन सी होती है, देखो एक तो नीड नोट होती है, एक डेहर होता है और एक यूज्ड टू होती है। ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स हैं। इनको मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं, ये ऐसे हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज, मेरे साथ नोट करो, ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब अथवा कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है, मेन वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है, इसलिए इनको मॉडल वर्ब बोलते हैं। और इनका एक अन्य नेम भी होता है, दूसरा नाम भी होता है, इनका एक दूसरा नाम भी होता है मार्जिनल मॉडल, मार्जिनल मॉडल भी बोलते हैं इनको। अब देखो मॉडल के बाद में आप सब जानते हो V1 आती हैं, तो ये किस प्रकार से गलती करवाते हैं हमसे, ही नीड नॉट बाइज अ कार, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये मॉडल हुआ यहाँ पर, मेन वर्ब नहीं है ना, या तो मेन वर्ब होगी या फिर क्या होगी, मॉडल वर्ब होगी, या मॉडल वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद में सभी मॉडल्स के बाद में यहाँ क्या होता है, V1 आती है, V1 आती है, तो ये V1 में S जो जुड़ा हुआ है ये गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पर बाई करना होगा, बाईज गलत हैं। इस चीज़ को समझ गए आप, देखो आप, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टाइप बता रहा हूँ मैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं, लिंक सब वर्ड से आप मीनिंग निकाल के बताओ। देखो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब ये इसी का नाम है कॉपुलर वर्ब,
इसी को बोलते हैं हम कॉपुलर वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, देखो ये क्या करती है, सब्जेक्ट को, मेरे साथ नोट कीजिए आप, सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती हैं, लिंक करती हैं। इस बात को समझ गए, अब देखो कैसे लिंक करती हैं। अब यहां आपको एक चीज समझनी होगी, जैसे मान लीजिए ही इज अ डॉक्टर, मैं आपको बहुत इजी सेंटेंस लिख रहा हूं, ये यहां क्या हुआ, देखो ये कौन सी वर्ब हुई, ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये अभी क्यों है मैं बताऊंगा आपको, इसने क्या किया, देखो ही को इज ने ही को किससे जोड़ा, अ डॉक्टर से, और यहां जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, और वो भी किसका, सब्जेक्ट का। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट को इसने इससे जोड़ा, और ये यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट होगा या तो क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, दो ही चीजें यहां पर कॉम्प्लीमेंट बनेगी, या तो नाउन होगा। अब बताइए अ डॉक्टर क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, दोनों में से एक आएगा, भी किसको, अब आप समझे होंगे, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने वाली जो वर्ब है वो क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। समझ गए, मेरे साथ बोलिए, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने वाली वर्ब होती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। यहाँ पर नाउन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, या क्या हो सकता है बोलो, एडजेक्टिव हो सकता है। आप इसे समझिए, इसी को हम कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं। अभी इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पूरी बात बताऊंगा। यहाँ से जो मेरे साथ कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारी लाइव क्लास में, उनके लिए मैं स्पेशली बताता हूँ, वो आपसे ऐसा पूछते हैं अंडरलाइन करके कि ये कौन सी वर्ब है, तो आपको क्या बतानी है, बी को क्या बताओगे आप, जहाँ एक बात समझो आप अपनी भाषा में, जहाँ बी की फॉर्म्स मेन वर्ब के रूप में आएगी, समझना मेन वर्ब के रूप में आएगी, वहां पर वो क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। अंडरस्टूड, ओके साहब। ये सारी की सारी जो प्राइमरी वर्ब, इनको समझ लो आप, ये सारी सारा ऐसा काम करती लगभग, तो इस चीज को समझ गए होंगे आप। हम आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम, देखो एक चीज और समझा दूं मैं आपको, यानी कि देखो लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद दूसरी वर्ब नहीं आती है, ये इसकी कंडीशन है, लिंकिंग वर्ब के बाद दूसरी वर्ब नहीं आती है, आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं अपन, लिंकिंग वर्ब के बाद में देखो एक अलग कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम, रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, रेगुलर मीनिंग का अर्थ क्या हुआ, नियमित। जैसे मैंने यहां पर एक वर्ब लिखी वास, हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। देखो यहां मैंने वास वर्ब लिखा, ये वी वन है, अगर हम इसकी वी टू यानी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वास्ट, और इसकी हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगी, वास्ट। तो देखो हमारे पास में एक रेगुलर नियम है, क्या रेगुलर नियम है, यानी कि वी वन से वी टू या वी थ्री बनाने के लिए उस वर्ब में ईडी जोड़ना हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे, उसे रेगुलर वर्ब कहेंगे या कहते हैं। इस बात को समझ गए आप, देखो वापस फिर से रिपीट करता हूं मैं, वी वन कोई भी वर्ब की फॉर्म वी वन से वी टू यानी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें हमारे रेगुलर नियम को फॉलो करना पड़े, ईडी जोड़ना पड़े, तो वो क्या होगी, रेगुलर वर्ब, और जिसमें ऐसा न हो वो क्या होगी, इरेगुलर वर्ब। अब आप समझ गए होंगे, जैसे सुनो आप, यहां पर मैंने गो लिखा,
गो से क्या बना, वेंट बना और फिर गोन बना, क्या आप बताइए यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या हमें ईडी लगाना पड़ा? नहीं। तो ये क्या है, ये इरेगुलर है। और ये क्या है, बोलो क्या है, ये रेगुलर। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और वो है जो हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मैं दो सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, जैसे ही गेव मी अ नोटबुक, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। देखो ये हमारी मेन वर्ब हुई, मेन वर्ब यानी सेकंड फॉर्म है, फास्ट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और देखो यहाँ पर कौन सा केस है आप बताइए, मैंने आपको प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के केस बताए थे, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और देखो ये भी क्या है, अभी बात करूँगा मैं, ये भी ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखो जो वर्ब, कोई सी भी वर्ब हो जो ऑब्जेक्ट रखती हैं वो तो है ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं वो है इनट्रांजिटिव। जैसे सी केम, सॉरी ही केम लेट, ये हमारी वर्ब है, वी टू है, फास्ट इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, एडवर्बल, एडवर्ब है। तो ये देखो यहाँ हमारा पास में ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं हो वो कौन सी होगी, इनट्रांजिटिव। आप इन्हें हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पर, सक्रमक, जिसका कर्म साथ में हो, और इसको बोलते हैं अक्रमक, जिसका कर्म साथ में न हो, यानी वह वर्ब जिसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं हो वो तो क्या होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके पास में ऑब्जेक्ट हो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ये बात आप दोनों बातों को समझ गए, इन दोनों को समझ गए आप, ट्रांजिटिव क्या होती हैं और इन ट्रांजिटिव क्या होती हैं। अब हम समझते हैं, देखो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि सर ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तो एक वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ पेसिव वॉइस में यानी वॉइस वाला जो चैप्टर है हमारा उसमें काम आने वाली है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इनके दो नाम हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो हम दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनको क्या क्या नाम देते हैं और किस तरह से उनको डिफाइन करेंगे, इस बात को समझते हैं। मैं इसी सेंटेंस को फिर से लिख रहा हूँ, ही गेव मी अ नोटबुक, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा। यहाँ पर ये हमारी गेव मी सेकंड फॉर्म है, वी टू है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं और ये भी ऑब्जेक्ट हैं। देखो सुनो, यहाँ हमें इस तरह से याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट को नाम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को नाम बोलते हैं हम, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इन दोनों में से देखो कौन सा तो डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा, हम यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको देखो मैं बताऊँ आपको, जो चीज़ लिविंग है वो तो होगी इनडायरेक्ट और जो नॉन लिविंग है वो होगी डायरेक्ट। अब आप बताइए इन दोनों में से लिविंग कौन है, लिविंग ये है तो ये तो क्या हुआ, आई ओ, क्या हुआ, आई ओ, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, डी ओ, इसे क्या बोलते हैं। देखो ये कैसे पहचानने में आया, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग क्या होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए इस बात को आप। अब देखो यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होता है, क्या हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं या डायरेक्ट को पहले लिखते हैं, पहले आप इसे नोट करो, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी पहले कौन सा हम लिखे इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और पहले कौन सा लिखेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन हुआ, आपकी एक क्यूरीज
क्यूरी आपके दिमाग में क्यूरी जाए कि सर पहले कौन सा लिखें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है या इनडायरेक्ट को लिखना है, यहाँ पर हम कन्फ्यूज हो रहे हैं साहब। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, अगर आप देखो सुनो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप लिख लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सही नियम तो यह है, लेकिन आपने इनको उल्टा कर दिया। अब एक अपने पास में एक फॉर्मूला बना, सब्जेक्ट वर्ब, और क्या बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कोई समस्या नहीं है, और बाद में जो भी आएंगे जो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको इनको इस तरह कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब और पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर कोई ना कोई प्रीपोजिशन और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आप इस बात को समझ गए होंगे पूरी तरह से। यदि हमें इस नियम को फॉलो करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने इस तरह से लिखना चाहा, सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखी फिर आपको लगा कि मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना चाहिए, तो लिख सकते हो, लेकिन आपको इन दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन जोड़नी पड़ेगी। जैसे हमारा जो सेंटेंस था उसको मैं फिर से लिखता हूँ, से ही गेव मी अ नोटबुक, यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा, अभी कौन सा नेम फॉलो हो रहा है, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई परेशानी नहीं आई इस वाली बात कर रहे हैं अपन। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिखे, ही गेव अ नोटबुक, तो लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें यहाँ कोई प्रीपोजिशन यानी कि टू जोड़ना होगा, टू मी। अब इस बात को क्लियर कर पाए होंगे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मीनिंग में और सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, केवल क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ओके, आप इसको लिखो, नोट करो अपनी कोड नोटबुक में, हम अगली टाइप पर बढ़ेंगे, ये चीज़ आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी मुझे ऐसी उम्मीद है। हम पढ़ रहे हैं कोजेटिव वर्ब, देखो कोजेटिव वर्ब क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख कर बता रहा हूँ, देखो सुनो, ही मेड मी वीप, ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुला दिया, इसका हिंदी में अर्थ हुआ उसने मुझे रुला दिया। अब यहाँ क्या है देखो सुनो, ये जो वर्ब है ना, ये काम खुद नहीं कर रही है, यानी स्वयं काम न करके, यानी स्वयं कार्य न करके किसी और वर्ब से कार्य करवाए, किसी दूसरी वर्ब से एक्टिविटी करवाए या एक्शन करवाए। अब इसको समझिए, आप देखो यहां पर ही मेड मी वीप, यहां पर एक्टिविटी कौन सी हो रही है बताइए आप, कौन सी हो रही है एक्टिविटी, यहां पर एक्टिविटी हो रही है रोने की। ये इस वर्ब ने काम किया या इससे करवाया, इस वर्ब ने काम न करके ये कार्य इससे करवाया रोने का। तो यहां देखो सुनो, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरी वर्ब से एक्शन करवाए, वो कौन सी होती हैं, कोजेटिव वर्ब होती हैं, इस बात को समझे, इसका बहुत बड़ा रोल है। और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ में जो लाइव जुड़े हुए हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से देखे। देखो सुनो, अब ये बात आपके समझ में आ गई, एक तो आपको देखो इसका यूज कैसे करना है, क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो इसका यूज है ये वी वन फॉर्म में होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ टेंस पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है तो मैं यहाँ भी इसको सेकंड फॉर्म बना दे, ये बात गलत होगी, समझ गए इस बात को, आपको याद, इधर देखो आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, उदाहरण से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर ले। ई मेड मी वीप, इसका अर्थ क्या है, स्वयं
स्वयं कार्य, ऐसी वर्ब जो स्वयं कार्य न करके दूसरी किसी वर्ब से कार्य करवाए, एक्शन करवाए, उसको हम कोजेटिव वर्ब कहते हैं। आपने एक बात याद रखी, देखो इसके बारे में, कोजेटिव वर्ब की पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर वन, कोजेटिव वर्ब वर्ब पर टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं होता है, नहीं होता है। ये देखो अगली बात लिखिए, इसका यूज हमेशा V1 फॉर्म में ही होता है, में होता है। इसका यूज हमेशा V1 फॉर्म में होता है और इस पर टेंस का भी कोई रूल यानी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक और सेंटेंस लिखता हूं, देखो मैं, ही मेड मी डू दिस वर्क। इस सेंटेंस का सेंस निकाल कर देखते हैं, उसने मुझसे यह कार्य करवाया, इसका अर्थ उसने मुझसे यह कार्य करवाया। ही मेड मी डू दिस वर्क, ही मेड मी डू दिस वर्क, उसने मुझसे यह कार्य करवाया। तो देखो यहां पर जो मेड है ये क्या है, V2 के रूप में आई है, कौन सी वर्ब वर्ब हुई, कोजेटिव वर्ब, समझ गए। यहां पर जो कार्य है, एक्टिविटी क्या है, यहां पर जो कौन सा कार्य होना है वो क्या है, वो है डू। कौन सा, कौन मेन एक्टिविटी क्या है यहां पर, डू। तो यहां पर मेड क्या है, कोजेटिव वर्ब है, कोजेटिव वर्ब वो होती है जो स्वयं कार्य न करके दूसरी वर्ब से कार्य करवाए। अब हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी पर बढ़ते हैं वर्ब की, वह है स्टेटिव वर्ब। मैं आपके सारी बातें इसके बारे में पूरी बातों पर डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहां इस टॉपिक से कैसे आते हैं। हम इसके बाद में एक एक्सरसाइज करेंगे और वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर कौन सी सेंटेंस में कौन सी वर्ब है और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो स्टेटिव वर्ब क्या होती है, दो प्रकार की वर्ब होती हैं। स्टेटिव ये क्या करती हैं, स्टेट बताती हैं, और एक दूसरी वर्ब होती है डायनेमिक। डायनेमिक वर्ब ये क्या काम करती है, ये एक्शन बताती है, समझ गए इस बात को। अब देखो सुनो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे ही वॉज टायर्ड, दूसरा लिखता हूं मैं सी स्मेल रोजीज, एक और लिखिए ही पुश्ड मी आउट, उसने मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया, यानी धक्का मार दिया। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। आप यहां क्वेश्चन करो कैसा है, कैसा है साहब बताइए, थका हुआ है, क्या कर रही है, स्टेट बता रही है। ओके देखो अब यहां पर क्या होती है, जो वर्ब स्टेट बताएगी वो क्या होगी, स्टेटिव होगी, और जो एक्शन बताएगी वो क्या होगी, डायनेमिक होगी। अब यहां यहां देखो सूंघने का कार्य हो रहा है, वह सूंघती हैं, लेकिन हमारी जो सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब होती हैं वो भी स्टेटिव वर्ब ही होती हैं। आपके सामने मैंने देखो यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी है और उनसे ये समझाने की कोशिश की है कि वो किस टाइप में होती है। देखो देखो लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी है, जो मोस्टली यूज होने वाले जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो हैं, एक तो बी, आप इसको नोट कर ले, आपको मैं ये चीज़ समझाऊंगा। देखो बी स्टेट भी बताती हैं, तो ये स्टेटिव वर्ब भी होती हैं और लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। एक तो बी हमारी लिंकिंग वर्ब है, बिकम है, आप इन्हें नोट कर ले और कन्फ्यूज ना हो, ये लिंक करने का काम करती है। हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में अभी भी पढ़ा है कि लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं, सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, लिंक करती हैं। देखो बिकम है, टर्न है, टेस्ट है, स्मेल, फील, स्टे, कीप, लुक, अपियर, साउंड, ये मोस्टली यूज होने वाले लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब देखो हम स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं, देखो लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब हो सकती है, या बी है, दोनों में कॉमन आया, स्टेट बता सकती है
यानी अभी मैंने आपको बताया स्टेटिव वर्ब क्या होती है, जो स्टेट बताती हो, यानी स्थिति बताती हो, दशा बताती हो। सी इज इल, वो कैसी है, बीमार है, तो लिंकिंग वर्ब भी हैं और यहाँ पर स्टेटिव वर्ब भी हैं। हैव है, ऑन, लव, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं। देखो हम कोजिटिव वर्ब की बात करते हैं, कोजिटिव वर्ब पिक्स हैं। ये क्या करती है, देखो ये स्वयं कार्य न करके, ये ऐसा समझिए कि जो एक्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर, न कि सब्जेक्ट पर। ये सारी बेसिक वर्ब हैं, ये फाइव होती हैं, ओनली फाइव होती हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। देखो मैंने आपके सामने भी एक सेंटेंस लिखवाया था कि सी मेड मी वीप। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोजेटिव वर्ब क्या होती हैं। यहाँ देखो आप एक्शन या एक्टिविटी कौन सी है, उसने मुझे रुलाया किसकी है, रोने की, रोया कौन, ये तो इस वर्ब का, यानी इस वर्ब के कारण जो एक्टिविटी हुई उस एक्टिविटी का प्रभाव किस पर हुआ, मी पर। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। कोजेटिव वर्ब उन्हें बोलते हैं ऐसी वर्ब्स जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव, यानी एक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर होता हो, न कि सब्जेक्ट पर। अब हम एक टेक्स्ट एक्सरसाइज से इन सभी वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इनको नोट कर ले और हमारे साथ इस लाइव क्लास में अंत तक बने रहे, आप इन्हें नोट कीजिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज से क्लियर करने वाला हूँ। हेलो गाइज, हम इन सारे सेंटेंस से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो किस नाम से जानेंगे हम उसको, यानी सभी सेंटेंस में कौन कौन से नाम से हम उसको जान सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एक सेंटेंस में आई हुई जो वर्ब हैं उसके एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। अब देखो हम इसे देखते हैं, ये क्या है हमारे पास में, मेन वर्ब हुई, मेन वर्ब है ये। दूसरी चीज़ लिंकिंग वर्ब है। आपने अभी आप इस बात को समझा है कि बी की जो फॉर्म्स होती हैं जो अगर मेन वर्ब के रूप में आए तो वह लिंकिंग वर्ब होती हैं। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस बात को भी आपने समझ लिया। देखो हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में वी वन प्लस आई एन जी होता, जो यहाँ पर है नहीं। देखो हम यहाँ देखो टीचिंग है यहाँ पर अगले सेंटेंस में देखते हैं हम, ही इज टीचिंग हिंदी, वो हिंदी पढ़ा रहा है, तो यहाँ देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या हुई, ये मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस में इज आया है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हैं। आप इस बात को समझ गए, अब हेल्पिंग वर्ब क्यों हुई, क्योंकि इसके ठीक बाद में वी वन प्लस आई एन जी है। हम अगले सेंटेंस चलते हैं, देखो ये कौन सी वर्ब हुई, ये यहाँ पर ये भी मेन वर्ब हुई। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में वी थ्री होती, तो वी थ्री आई नहीं। अब ये कौन सी वर्ब हुई, बोलो कौन सी वर्ब हुई, मेन वर्ब। हम देखो अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हैव आया है, लेकिन हैव के बाद में क्या हुआ, वी थ्री आई है, तो ये तो क्या हुई, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। आप इस बात को समझ रहे हो। हम अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ देखो ये क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है और उसी के साथ में देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेइंग है, प्लेइंग क्या है, वी वन प्लस आई एन जी, तो ये हेल्पिंग वर्ब ये होगी और मेन वर्ब ये होगी। अब इसके आगे देखते हैं, देखो हम यहाँ पर हैज गोन आया, तो ये तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और इसके बाद में वी थ्री आई, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हुई, ये मेन वर्ब हुई। सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, यहाँ पर ये क्या हुआ, देखो डज के साथ में नोट आया, तो ये मेन वर्ब हुई और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। सी डज इट, अब देखो सी डज इट, अब यहाँ पर देखो हमें ये कन्फ्यूज ना हो, यहाँ इसके बाद में कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। और आपको आप याद करो, मैंने आपको लिए इनके सबसे पहले एक नाम बताया था, प्राइमरी वर्ब्स, डू, बी, हैव और डू, ये प्राइमरी वर्ब्स भी हैं, लेकिन इसका यूज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है। देखो ही गोट एंग्री, देखो गेट को मैंने आपको दो नाम दिए हैं, कोजेटिव वर्ब। ये कोजेटिव वर्ब कब होती हैं, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आए और उस ऑब्जेक्ट पर वो कोई दूसरे कार्य का प्रभाव पड़े, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर देखो ये स्टेटिव वर्ब भी होती हैं ये, लेकिन स्टेटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें देखो वो कैसा
वो क्रोधित हो गया, तो कैसा हो गया? क्रोधित हो गया। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। देखो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वह इस बात को समझे, वहां पर उनके ऐसे अंडरलाइन करके पूछते हैं कि कौन सी वर्ब है, तो आपको यहां पर बताना है ये गेट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह नाराज हो गया, वह नाराज हो गया, तो यहां पर ये कौन सी वर्ब हुई, लिंकिंग वर्ब हुई। अब देखो यहां पर देखो आप, ही बिकेम अ डॉक्टर, बिकेम अ डॉक्टर, बताओ बिकेम कौन सी वर्ब है, अभी मैंने लिखवाया था इधर, बिकेम कौन सी वर्ब है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। तो इस तरह से देखो आपको इनको रिकॉग्नाइज करना है कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब आई है, इस बात को हम जांचने की कोशिश करेंगे, पहचान करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैंने सारी जो सेंटेंस थे उनमें क्लियर करके ये बताने की कोशिश की है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कहाँ पर मेन वर्ब होती हैं, या लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, और कोजेटिव वर्ब क्या होती हैं। यहाँ पर एक कोजेटिव वर्ब नहीं है, ये क्यों नहीं है समझ गए होंगे आप, क्योंकि इसके बाद में कोई एक और कार्य होता और जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता तब ये कोजेटिव वर्ब होती। हमने ये भी देखा है कि एक से ये कभी कभी तो देखो मेन वर्ब होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचान करेंगे, इसके ठीक बाद में V3 आएगी। अब देखो इस इनमें से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो एरर्स कर देते हैं, किसी सेंटेंस में एरर्स बना देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप इनका करेक्शन कीजिए। इस तरह से इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। गाइज आप हमारे साथ जुड़े रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, और आप हमारी जो भी लाइव क्लास उसको पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको टेस्ट देना है,